हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी एमएक्स टकाटक पे अपनी फोटो से वीडियो बनाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपनी फोटो से एमएक्स टकाटक पे हम वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एमएक्स टकाटक ऐप को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम अपने फोटो से कैसे वीडियो बना सकते हैं एमएक्स टकाटक पे। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में एमएक्स टकाटक को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने कैमरा खुल के आ जाता है, देख सकते हैं। यहाँ से आप कैमरा को टर्न कर सकते हैं बैक और आगे में। तो यहाँ पे अब हमें फोटो को अपलोड करने के लिए नीचे ये जो गैलरी का आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपके सारे फोटो इधर खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना जो फोटो है, जिस फोटो से आप बनाना चाहते हैं, वो सारे फोटो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आप ही यहाँ पे स्लाइड शो आपका बन जाता है। अब यहाँ पे आप इस स्लाइड शो को चेंज भी कर सकते हैं, अप कर सकते हैं तो ऊपर की ओर स्लाइड होगा, जूम कर सकते हैं तो ये जूम होगा। तो ये वाला स्लाइड शो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसी से ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये क्रिएटिंग वीडियो होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्लाइड शो है वो इस तरह से आ जाता है। यहाँ पे अब सबसे पहले आपको म्यूजिक पे नीचे क्लिक करना है और आपको अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लेना है। जो भी गाना आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, काफ़ी सारे गाना यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक सॉन्ग अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे अप्लाई हो गया है, देख सकते हैं। वॉल्यूम आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर कंप्लीट पे क्लिक करना है और ये देखिए इधर मेरा जो वीडियो है वो आ गया। अब इधर इफेक्ट, अब यहाँ पे आपको नीचे इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो इफेक्ट चाहे उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बस वीडियो को यहाँ पे शुरू पे रखना है और यहाँ पे जो भी आपको इफेक्ट अप्लाई करना है उस पर आपको प्रेस करके रखना है। जितने देर के लिए आप प्रेस करके रखेंगे उतने देर के लिए ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप प्ले कर देंगे, उसके बाद फिर जहाँ से आपको इफेक्ट लगाना है वापस से आपको इस पर क्लिक करके रखना है और इफेक्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे इफेक्ट है, तो जो इफेक्ट आपको लगाना है लगा सकते हैं। देन उसके बाद कंप्लीट पे क्लिक करना है और इस तरह से हमारा इफेक्ट के साथ वीडियो आ जाता है। यहाँ पे आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है तो काफ़ी सारे यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर हमारा अप्लाई हो गया है, कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टिकर भी दिया हुआ है, फिलहाल हम इसे कंप्लीट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ लिखना होगा, अगर आपको आप कुछ लिखना चाहते हैं वीडियो पे, तो यहाँ पे सबटाइटल दिया हुआ है, यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद ऊपर कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो क्रिएट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे क्रिएट होके सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पे आपको जो भी टाइटल लिखना है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं और फाइनली नीचे आपको पोस्ट का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और अब ये पोस्ट होना शुरू हो गया है, अपलोडिंग होना शुरू हो गया, देख सकते हैं। इसे कंप्लीट होने देते हैं अब और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, कंप्लीट हो गया। चलिए मी पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे आ गया। चलिए साउंड के साथ इसे प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से वीडियो हमारा बना है। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है उसमें साउंड के साथ यहाँ पे प्ले हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने आसानी से एमएक्स टकाटक पे आप फोटो से जोड़ के वीडियो बना सकते हैं।